राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा के एटीएम से चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया मनोरंजन बैंक वाला नोट उपभोक्ता को निकला है। किस्सा सुजानपुर शहर का है, जहां पर राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा का एटीएम जो लोगों को सुविधाएं दे रहा है, उस एटीएम में सुजानपुर शहर के व्यापारी धर्म सिंह ने 8,000 निकलवाए। इस दौरान जो एटीएम से नोट निकले वे 500-500 के थे। धर्म सिंह ने बताया कि उनका बेटा कैश निकलवाने गया था, जिसकी तमाम जानकारी बैंक एटीएम के सीसीटीवी कैमरे में दर्ज है। जब उनका बेटा कैश निकलवाने के लिए एटीएम गया, उस दौरान उसने 8,000 पेट्रोल करवाए और नोट गिनने का कार्य एटीएम बॉक्स के अंदर ही हुआ, जिसकी सारी रिकॉर्डिंग एटीएम सीसीटीवी में दर्ज है। लेकिन इस दौरान पाया गया कि 8,000 की राशि वाले नोटों में एक नोट 500 का, जिस पर मनोरंजन बैंक चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा था, वे पाया गया। हैरानी की बात ये है कि एक तरफ बैंक प्रबंधन इस बात के दावे करता है कि उनकी मशीनें अत्याधुनिक तरीके की लगी हैं, जिसमें नकली नोट ना तो आ सकता है और ना ही मशीन से बाहर निकल सकता है, लेकिन कैश निकलवाने गए उपभोक्ता ने दावे के साथ कहा कि जो नकली नोट उन्हें प्राप्त हुआ है वे बैंक एटीएम मशीन में निकला है। और उपभोक्ता ने ये भी कहा कि जब वे इस बात को लेकर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में गया, तो वहां पर उन्हें ये सुनने को मिला कि इस एटीएम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हमीरपुर ब्रांच के अंतर्गत आता है, इसलिए आप हमीरपुर में शिकायत करें। उधर संबंधित विषय पर जब राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा के हमीरपुर प्रभारी से बात की, तो उन्होंने तमाम इस बात को मानने से मना कर दिया और उल्टा उपभोक्ता से फोन पर ही उलझ पड़ा। उधर उपभोक्ता ने इस पूरे मामले की शिकायत थाना सुजानपुर में दर्ज करवा दी, जिस पर आगामी कार्रवाई प्रेषित की जा रही है।